हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है और टैली प्राइम में कैटेगरी को लेकर हम बात कर रहे थे। तो कैटेगरी के ही बारे में आगे बढ़ते हैं। आपको चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाकर के दिखाया और यहाँ से आप क्रिएट पे चले जाइए अगर आपको बनाना है ग्रुप, तो ठीक है। कैटेगरी यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगी, ग्रुप भी दिखाई पड़ेगा और स्टॉक आइटम भी दिखाई पड़ेगा। स्टॉक आइटम मैंने बताई दिया, कैटेगरी भी बता दी है आपको। स्टॉक ग्रुप की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब स्टॉक ग्रुप में क्या है कि यहाँ पर आप चाहे तो ग्रुप बना सकते हैं। लाइक यहाँ पर मैं ग्रुप कर देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने, इलेक्ट्रॉनिक्स का ये ग्रुप बना दिया, एंटर प्रेस किया। यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको यस कर दीजिए, ठीक है। जीएसटी हटाते हैं, अभी जीएसटी नहीं रखेंगे हम, ठीक है। एंटर किया तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारे सामने ग्रुप बन गया है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर परचेज में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर हमने सप्लायर का एडवांस नंबर डाला, यहाँ पर वो डेट आएगी जिस डेट पर होगी परचेजिंग। कैश ही रख लेते हैं, डिटेल्स चाहे तो आप फिल कर सकते हैं, फिलहाल मैंने इसको स्किप किया है। यहाँ पर आएंगे, रेगुलर रखेंगे, रेगुलर रखने के बाद यहाँ पर परचेज अकाउंट का लेजर आएगा। अब सपोज कीजिए यहाँ पर हम एक स्टॉक आइटम बना रहे हैं, लाइक एलसीडी मॉनिटर, ठीक है। ये हमने स्टॉक आइटम बनाया, ठीक है। यहाँ पर आपको कैटेगरी नहीं दिखाई पड़ रही है, जबकि आपको याद होगा कि कैटेगरी भी हमें देनी है। तो कैटेगरी कैसे आएगी, तो कैटेगरी को लाने के लिए आपको केवल F12 बटन प्रेस करना है और यहाँ पर ये जो शो मोर कॉन्फ़िगरेशन ये दिखाई पड़ रहा है, इस पर डबल क्लिक कर दीजिएगा और इस पर भी कर दीजिए, सब दिखाई पड़ने लगेगा। अब यहाँ पर आपको कैटेगरी मिल जाती है, यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम, तो इसको बस यस कर दीजिए ना, हो गया का। तो ये कंट्रोल ए प्रेस कर लीजिए। अब यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर देख रहे हैं एलसीडी मॉनिटर, जैसे ही आपने लिखा तो ग्रुप आ गया इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स बनाया ही है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स कर दीजिए। कैटेगरी, अब कैटेगरी देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी है, तो इलेक्ट्रॉनिक में जो एलईडी मॉनिटर है वो उसकी रेंज क्या है, आप रेंज के आधार पर इसको बना सकते हैं, ठीक है। और रेंज अगर नहीं बनाना चाहते तो आप इसकी ऊंचाई यानी कि इसकी जो हाइट है, कितना बड़ा आपको एलसीडी मॉनिटर मिलेगा उसके आधार पर बना सकते हैं, कलर्स के आधार पर बना सकते हैं, कोई भी चीज हो सकती है इस तरह की, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर कैटेगरी डिसाइड करते हैं कंपनी के आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ लेनोवो, ठीक है, ये कर दिया हमने और यहाँ पर प्रेस किया एंटर, ठीक है, यहाँ पर प्रेस किया एंटर और यहाँ पर प्रेस किया एंटर, ठीक है। और यहाँ पर एनओएस दिया हुआ है, यूनिट तो आप बना ही लेंगे, तो यहाँ एनओएस ही रखना है आपको, एंटर प्रेस करना है, एंटर प्रेस करना है, ठीक है। यहाँ पर एलसीडी मॉनिटर आ गया है, देख सकते हैं। अब मान लीजिए हम एक ही एलसीडी मॉनिटर की बात करते हैं और यहाँ पर 12,000 रुपये इसकी कीमत है, ठीक है, ये लगा दिया हमने, एंटर किया। यहाँ पर डिस्काउंट है कि नहीं है तो 2% का डिस्काउंट तो दे देते हैं, तो ये डिस्काउंट भी हो गया। यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर जीएसटी का लेजर आप लगा सकते हैं, ठीक है, तो सीजीएसटी लगा दिया हमने, आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे एसजीएसटी लगा देते हैं, ये भी आ जाएगा, आ गया ना, सब कुछ आ गया, ये हो गया। अब इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा लीजिए, ये एक्सेप्ट करा लिया।